दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटॉन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इसे सबसे पहले किसने खोजा था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियोस को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोटॉन? दोस्तों प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियाई में रहने वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट करता है। साथ ही इस पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका साइज भी इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसमें लगभग 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात 1-15 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसे खोजा कैसे गया? हाउ आर प्रोटॉन बॉर्न? दोस्तों दरअसल जे.जे. थॉमसन का कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसने इलेक्ट्रॉन के होने की खोज की थी, इसके बाद सभी वैज्ञानिक इसको खुद से करने की कोशिश करने लगे, जिसमें से एक गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक भी इसे करना चाहते थे। उन्होंने भी कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट की सारी अरेंजमेंट्स कर ली, पर थॉमसन का कहना था कि कैथोड रेस का नेचर कैथोड प्लेट के शेप, साइज और डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कैथोड प्लेट के मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर कैथोड प्लेट एल्यूमिनियम की बनी हो तो कैथोड रेस सही से एब्जॉर्ब हो पाती है। वैसे ही गोल्डस्टीन ने भी एल्यूमिनियम की परफोरेटेड होल वाली प्लेट कैथोड ट्यूब में इस्तेमाल की। अब कैथोड ट्यूब में एक छोटे से बदलाव से एक नए पार्टिकल की खोज हुई, क्योंकि इससे पहले एल्यूमिनियम की फ्लैट प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेस के अलावा परफोरेटेड कैथोड प्लेट के पीछे की ट्यूब का सरफेस चमक रहा था, जो कि थॉमसन के किए एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल अलग था। यह देखकर गोल्डस्टीन ने सोचा कि कैथोड प्लेट से कैथोड रेस निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं, तो एनोड प्लेट से भी एनोड रेस निकलकर कैथोड प्लेट की तरफ जानी चाहिए थी। ये देखकर गोल्डस्टीन ने सोचा कि कैथोड प्लेट से कैथोड रेस निकलकर एनोड की तरफ जा रही हैं, तो एनोड प्लेट से भी एनोड रेस निकलकर कैथोड प्लेट की तरफ जानी चाहिए, जैसा कि अभी हो रहा था। उन्होंने समझाया कि एटम न्यूट्रल होते हैं, यानी एटम का खुद का ना तो कोई नेगेटिव चार्ज होता है और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं, जिसे बाहर भी निकाला जा सकता है। बाहर निकलने से ही हमें कैथोड रेस दिखाई देती है, पर एनोड से रेस निकलने का मतलब है कि जरूर इस एटम में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, यानी एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही पार्टिकल्स होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है। पर ये कैसे पॉसिबल हो रहा था? हाउ प्रोटॉन आर वर्क? दोस्तों यहाँ होता ये है, कैथोड ट्यूब में होती है गैस। गैस ट्यूब में तेजी से चलते इलेक्ट्रॉन गैस एटम से टकराकर गैस एटम के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, यानी उन्हें बाहर फेंक देते हैं, और ऐसा होने की वजह से गैस एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि तेजी से चलते इलेक्ट्रॉन जब गैस के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो गैस एटम को भी साथ ले जाते हैं, तो गैस एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर आने से गैस में पॉजिटिव चार्ज गैस एटम बन जाते हैं, जो नेगेटिव चार्ज कैथोड प्लेट की तरफ खींचते हैं, क्योंकि कैथोड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से एनोड प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है। अब अगर प्लेट फ्लैट है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा और एटम न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेट परफोरेटेड हुई यानी उसमें छेद हुए, तो पॉजिटिव चार्ज गैस एटम अपने हाई मोमेंटम कैथोड प्लेट के उस पार चले जाएंगे। अब क्योंकि मोमेंटम हाई है तो वो लगातार ग्लास सरफेस पे टकराते रहेंगे। गोल्डस्टीन ने इस फिनोमेना को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया था, पर यहाँ पर एक और बात निकल रही थी कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने पर गैस के एटम पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गए? प्रोटॉन इन एटम्स? दोस्तों एटम जब ही ऐसा कर सकते थे जब तक उसके अंदर कोई पहले से ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो। तो गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होता है। इसे साबित करने के लिए गोल्डस्टीन ने बहुत सी अलग अलग गैसों से इस एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने लास्ट में हाइड्रोजन गैस में नोटिस किया कि गैस आयनाइज्ड होने के कारण उसमें मिनिमम पॉजिटिव चार्ज मिनिमम मास के साथ आता है, और उस टाइम पर यह बात सभी को पता थी कि हाइड्रोजन के पास सबसे कम मास और साइज होता है। साथ ही हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को भी बाहर फेंक दे तो उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा, जिसके पास भी मिनिमम मास और मिनिमम साइज होगा। और कई जांच के बाद इस पॉजिटिव मिनिमम चार्ज को प्रोटॉन नाम दिया गया, और बाद में प्रोटॉन के चार्ज और मास को भी कैलकुलेट किया गया। इससे ये सिद्ध हो गया कि एटम में नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के अलावा पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन भी होते हैं, जिनमें ठीक उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन ये चार्ज उसके अपोजिट होगा। दोस्तों लेकिन अभी भी एटम अधूरा था, यानी अभी भी एक सब एटम यानी न्यूट्रॉन अभी बाकी है, उसे जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली तो वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज की पिछली वीडियोस को जरूर देखें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।